नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे नगर निगम चुनाव को लेकर और खास करके आरक्षण की लिस्ट जो है जारी कर दी गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसको लेकर हम बात करेंगे कि नगर निगम में जो है डिप्टी मेयर या हम कहें उप मुख्य पार्षद पद के लिए जो है आरक्षण की क्या स्थिति है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आरा को लेकर। तो आरा की जो स्थिति है, आरा को अगर हम देख लें तो इसमें जो है अनारक्षित कैटेगरी में महिलाओं की सीट जो है ये निर्धारित की गई है। उसके बाद अगर हम कटिहार की बात करें तो कटिहार भी जो है अनारक्षित और अन्य के सीट में है, यानी कि यहाँ से जो है कोई भी व्यक्ति चुनाव मैदान में महिला या पुरुष जो है आ सकता है। वहीं अगर हम बात कर लें गया की, तो गया में जो है अनुसूचित जाति की महिला जो है यहाँ पे चुनाव मैदान में आ सकती है डिप्टी मेयर पद के लिए। वहीं अगर हम बात कर लें छपरा की, तो छपरा में भी जो है अनारक्षित सीट है और ये अन्य है, यानी कि यहाँ से भी जो है कोई भी व्यक्ति जो है छपरा से चुनाव मैदान में डिप्टी मेयर पद के लिए चुनाव मैदान में आ सकता है। दरभंगा की बात करें तो यहाँ भी अनारक्षित सीट है और ये महिला के लिए है, यानी कि महिला से ही वर्ग से ही कोई एससी एसटी हो या फिर ओबीसी से हो वो सीधे तौर पे चुनाव मैदान में आ सकते हैं। पटना को लेकर अगर हम बात करें तो पटना को लेकर जो है एक लंबी गहमागहम की स्थिति रही कि ये सीट जो है पुरुषों के लिए होगी या फिर सामान्य के लिए होगी, तो पुरुष वर्ग के जो लोग हैं उन्हें जो है खासा फायदा मिलेगा। खास करके अगर हम बात कर लें मेयर को, तो मेयर भी का भी जो पद है वो महिलाओं के लिए है और अब जब आरक्षण का नया रोस्टर लागू हुआ तो उसमें भी जो है पटना नगर निगम में पिछड़ा वर्ग और उसमें भी महिलाओं के खाते में ये सीट चली गई है। बात कर लें पूर्णिया की, तो पूर्णिया में भी जो है अनारक्षित सीट रखी गई है। खास करके ये जो सीट है वो महिलाओं के लिए निर्धारित है, यानी कि यहाँ से एससी एसटी ओबीसी तीनों कैटेगरी में से कोई भी जो है वहाँ पे चुनाव मैदान में आ सकती है। बेगूसराय की बात करें तो ये भी अनारक्षित सीट है और ये भी महिलाओं के लिए निर्धारित की गई है। बेतिया की अगर हम बात करें, बेतिया में भी जो सीट है वो अनारक्षित है और ये भी महिलाओं के लिए अनारक्षित की गई है। बिहार शरीफ की बात करें तो ये भी सीट अनारक्षित है, ये भी महिलाओं के लिए अनारक्षित की गई है। वहीं अगर हम बात कर ले भागलपुर की, तो भागलपुर में जो है ये सीट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए है और ये अन्य कैटेगरी के तहत इसे जो है रखा गया है। वहीं अगर हम अन्य का मतलब हुआ कि हम महिला और पुरुष, यानी कि दोनों जो है चुनाव मैदान में सीधे तौर पे आ सकते हैं। मुंगेर की अगर हम बात करें तो ये भी सीट जो है अनारक्षित रखी गई है और यहाँ पे भी जो है अन्य है, यानी कि महिला और पुरुष दोनों इस सीट पे जो है चुनाव मैदान में आ सकते हैं। मुजफ्फरपुर की बात करें तो ये सीट जो है पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित है और यहाँ पे जो है महिला या पुरुष दोनों में से कोई जो है सीधे तौर पर चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। बात अगर मधुबनी की कर लें तो यह भी सीट अनारक्षित है और यहां पे जो है अन्य कैटेगरी, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी कैटेगरी से आकर महिला पुरुष कोई भी जो है ये मधुबनी में चुनाव मैदान में सीधे तौर पर अपनी भागीदारी दिखा सकते हैं। बात अगर मोतिहारी की कर लें तो यहां भी सीट जो है अनारक्षित रखी गई है और यह भी जो है अन्य कैटेगरी के है, यानी कि यहां भी जो है कोई भी व्यक्ति किसी भी कैटेगरी से महिला या पुरुष जो है सीधे तौर पर चुनाव मैदान में आ सकता है। अगर हम बात समस्तीपुर की कर लें तो ये अनुसूचित जाति की सीट है और यह जो अन्य है यहाँ पे अनुसूचित जाति से महिला या फिर पुरुष कोई भी जो है वो चुनाव मैदान में सीधे तौर पे आ सकते हैं। बात अगर हम सहरसा की कर लें तो ये भी सीट जो है अनारक्षित रखी गई है और अन्य है, यानी कि यहाँ से कोई भी व्यक्ति डिप्टी मेयर के पद के लिए सीधे तौर पर अपनी भागीदारी दिखा सकता है। बात अगर हम कर ले सासाराम की, तो सासाराम की जो सीट है ये सीट जो है अनारक्षित रखी गई है और वो भी महिला के लिए है, यानी कि महिला कैटेगरी से ही आपको आना होगा। तो आप जनरल हों, एससी हों, एसटी हों या फिर जो है ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तभी जो है आप सासाराम में चुनाव मैदान में सीधे तौर पे डिप्टी मेयर पद के लिए अपनी हिस्सेदारी निभा सकते हैं। अगर हम बात सीतामढ़ी की कर ले तो सीतामढ़ी में जो है अनारक्षित सीट रखा गया है और ये भी जो है अन्य है, यानी कि यहां से कोई भी व्यक्ति सीधे तौर पर चुनाव मैदान में आ सकता है किसी भी कैटेगरी से महिला हो या पुरुष हो। तो ये लबुलवाद है। एक अगर हम देख लें तो डिप्टी मेयर पद के लिए पूरे बिहार की जो स्थिति है उसमें हमें लगता है कि आरक्षण की जो स्थिति है उसमें महिलाओं को ज़्यादा तरजीह दी गई है डिप्टी मेयर पद को लेकर, खास करके क्योंकि कई ऐसी सीटें हैं जहां पे लगातार महिलाओं की स्थिति जो है इस बार बनती दिख रही है। ऊपर के तो पूरे इलाके, जैसे खास करके देख लें तो आरा, गया, छपरा में अन्य है, गया, दरभंगा, पटना, पूर्णिया, बेगूसराय, बेतिया, इतनी स्थिति है जहाँ पे जो सीधे तौर पे जो है 10 तक में अगर हम देखें टॉप 10 में, इसमें ज़्यादातर महिलाओं को जो है तरजीह दी गई है, वहाँ पे जो है महिलाओं को सीधे तौर पे जो है आरक्षण का लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। तो ये थे डिप्टी मेयर पद के लिए आरक्षण की स्थिति बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।